के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। सपा बसपा गठबंधन से अलग हुई निषाद पार्टी, अब अकेले लड़ने की तैयारी। सपा जिला अध्यक्ष प्रहलाद यादव ने दूरभाष पर जानकारी देते हुए कहा, हर व्यक्ति है स्वतंत्र। अभी पार्टी ने नहीं घोषित किया है गोरखपुर और महाराजगंज से अपना प्रत्याशी। जिला अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में इलेक्शन कमीशन द्वारा लॉन्च किए गए ऐप की जानकारी के लिए आयोजित हुई कार्यशाला, दी गई ऐप के क्रियान्वयन की जानकारी। पिपराइज पुलिस ने 15,000 और 10,000 के इनामी घोषित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। एसपी क्राइम ने कहा, हत्या के मुकदमे में धमकी देकर रंगदारी मांगने का था आरोप। चोरी की 8 बाइक के साथ 5 अभियुक्त चढ़े गोला पुलिस के हत्थे, एसपी नार्थ ने किया खुलासा। सीडीओ की अध्यक्षता में मतदेय केंद्रों पर मतदान कर्मियों के भोजन और संचार व्यवस्था को लेकर हुई बैठक, दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एएसपी के नेतृत्व में निकाला गया फ्लैग मार्च, लोगों को कराया गया सुरक्षा का एहसास। गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्वांचल संग्रहालय में टेराकोटा शिल्प प्रदर्शनी धरोहर का कुलपति प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह ने किया शुभारंभ। प्रसिद्ध शिल्पकार रामचंद्र प्रजापति एवं उनकी धर्मपत्नी विरासी देवी को किया गया सम्मानित। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी एवं सहायक राज्य आयुक्त स्काउट संजय यादव बने पूर्वोत्तर रेलवे भारत स्काउट गाइड के राज्य आयुक्त स्काउट। और लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आयोजित हुई बूथ स्तर की महत्वपूर्ण बैठक, मुख्य अतिथि ने कहा, चुनाव नहीं, यह है धर्मयुद्ध।